शाहरुख खान के बेटे आरन खान की जमानत अर्जी एनडीपीसी कोर्ट ने ठुकरा दी है। कोर्ट ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। आरन खान के अलावा उनके सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत अर्जी को भी नामंजूर कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सत्यमेव जयते कहा। वहीं एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि जज ने जो निर्णय दिया है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हुई उस पर भी मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी की ओर से वकीलों की दलीलें बदलती रही हैं, हर बार नए मुद्दे खड़े किए जाते हैं और वो सही नहीं है। लोगों की जमानत को रोकने का ये नया तरीका है। ऐसे बहुत दांव हमने देखे हैं और भोगे हैं। एनसीबी पर और भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने कहा कि आज नहीं तो कल ऐसे 90% मामले फर्जी साबित होने वाले हैं। मैं कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। कुछ वकीलों के माध्यम से इस संदर्भ में याचिका दाखिल की जाएगी। अगर इन मामलों की जांच हुई तो सभी मामले फर्जी साबित होंगे। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि एनसीबी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह से लोगों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है।